तो क्रिकटॉक के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। तो आज पहला अपडेट आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। आपको ऑलरेडी पता लग गया है कि यूएई में आईपीएल 2020 होने जा रहा है और महेंद्र सिंह धोनी भाई क्रिकेट से बहुत दिन दूर था और इसीलिए वो अपना ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू कर दिया है अपने फार्म हाउस पर, साथ साथ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम पर जाकर भी वो प्रैक्टिस कर रहा है बॉलिंग मशीन के साथ। एकदम जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दिया है महेंद्र सिंह धोनी बिग हिट लगाने के लिए आईपीएल 2020 में यूएई जाकर। नेक्स्ट इसके बाद भाई अपडेट आ रहा है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। उन्होंने एक अलग डिसीजन लिया है बीसीसीआई से हटकर। बीसीसीआई ने अपने एसओपी पर बताया था कि फैमिली को अलाउ किया जाएगा, खिलाड़ी अपना फैमिली ले जा सकता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पर घोषणा कर दिया है कि कोई भी खिलाड़ी, कोई भी स्टाफ अपना फैमिली नहीं ले जाएगा यूएई आईपीएल देखने के लिए, आईपीएल खेलने के लिए। हाँ भाई, एकदम पूरी तरीके से सीएसके ने एक अलग सा हटकर अपना नियम बनाया है कि कोई भी खिलाड़ी, कोई भी स्टाफ अपना फैमिली नहीं ले जा पाएगा यूएई। और भाई एसओपी को लेकर मैं एक अलग सा वीडियो आपको देने वाला हूँ। मैंने पहले सोचा था कि आपको क्रिकटॉक के एपिसोड में ही दिया जाए, लेकिन वो थोड़ा बहुत मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा। बहुत सारा पॉइंट है, नया नया रूल्स आ रहा है आईपीएल 2020 में इस कोरोना वायरस के चलते, तो अलग सा वीडियो मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है हर टीमों के क्वारंटाइन को लेकर। हर खिलाड़ी को इंडिया में भी क्वारंटाइन पे कुछ देर रहना पड़ेगा, लगभग 20 अगस्त तक नहीं 7 दिन तो रहना ही पड़ेगा इंडिया में। और साथ साथ भाई उनका टेस्टिंग भी शुरू हो चुका है कोविड-19 के लिए। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो वो भाई नहीं जा पाएगा यूएई, यहां पर रहकर उनको क्वारंटाइन लेना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जा सकता है यूएई। और उसके बाद यूएई में जाकर भी भाई टेस्ट होगा, वो प्रोटोकॉल अलग है, मैं आपको एसओपी में बताऊँगा। तो इतना ही अपडेट है कि हर टीम ने अपने खिलाड़ियों को क्वारंटाइन में ले लिया है और टेस्टिंग शुरू कर दिया है कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर को लेकर। कल ही मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि वीवो छोड़ दिया है टाइटल स्पॉन्सर और नहीं रहेगा इस बार, और इसीलिए बहुत सारा कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। अमेजोन और जियो इस रेस में आगे चल रहा है, अमेजोन थोड़ा आगे बढ़ चुका है, कोक भी शामिल है, बायजूस भी शामिल है और एक नया कंपनी सामने दिखाई दे रहा है अभी, वो है भाई ड्रीम इलेवन। हाँ भाई, ड्रीम इलेवन भी इस टाइटल स्पॉन्सर के लिए कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट कुछ ऐसा है कि स्टार स्पोर्ट्स को एक बहुत ही बड़ा घाटा इस बार आईपीएल में होने वाला है, साथ साथ भाई हॉटस्टार को भी होगा। हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स एक ही कंपनी है आपको पता है। तो भाई यहाँ पर जितना भी चाइना मोबाइल अपना एड दिखाता था वो सभी ने बॉयकॉट कर दिया है स्टार स्पोर्ट्स को। वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, लेनोवो और हवाई ये सभी कंपनी अपना एड नहीं शो करेगा स्टार स्पोर्ट्स में, यानी कि स्टार स्पोर्ट्स के साथ उनका जो स्पॉन्सरशिप था वो टूट चुका है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भाई घाटा दिखाई दे रहा है स्टार स्पोर्ट्स के अकाउंट में। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट इसके बाद भाई सीएसके के स्पॉन्सर के बारे में कुछ अपडेट आया है। तो सीएसके ने अपना हर स्पॉन्सर को ही रिटेन कर लिया है नेक्स्ट सीजन के लिए। जितना भी स्पॉन्सर, जितना भी लोगों उनके जर्सी में आप लोगों ने लास्ट सीजन देखा था वही सब रहने वाला है, वही सभी को रिटेन कर लिया है सीएसके ने। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है सीपीएल 2020 की तरफ से। तो भाई आपको पता है कि प्रिकॉशन के साथ सीपीएल का डेट घोषणा हो चुका है, बहुत ही सावधानी बरताएगा सीपीएल में कि कहीं पर भी कोविड-19 का कुछ भी असर नहीं दिखे। और हर खिलाड़ी अभी क्वारंटाइन पे रह रहा है, साथ साथ भाई उनका टेस्ट भी हो रहा है। और सुनाई ऐसा दिया है कि टोटल 200 मेंबर और खिलाड़ियों का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहां पर गुड न्यूज है कि कोई भी खिलाड़ी और कोई भी स्टाफ कोविड-19 के लिए पॉजिटिव नहीं हुआ है, हर टेस्ट नेगेटिव आया है। तो उतना बड़ा अब दिक्कत सीपीएल में नहीं होगा। अगर एक भाई निकल जाता पॉजिटिव तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाता, लेकिन यहाँ पर हर खिलाड़ी और हर स्टाफ नेगेटिव आया है और अभी क्वारंटाइन उनका
चल रहा है। चलिए हम CPL के लिए वेट करते हैं, और आपको अगर फुल डिटेल्स जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप लोग जाकर CPL के बारे में फुल डिटेल्स ले सकते हो। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट अपडेट आ रहा है, बहुत ही बड़ा अपडेट है ICC मेन T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप होना था मेंस का, लेकिन वो पोस्टपोन होकर अब 2021 में होगा। और इस बार अगर होता तो भाई ऑस्ट्रेलिया में होता, आपको ऑलरेडी वेन्यू पता था, लेकिन अब पूरी तरीके से सब कुछ चेंज हो चुका है। 2021 में पोस्टपोन करके ICCI उसको करवाएगा इंडिया में। हाँ भाई, 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो 2021 में होगा, लेकिन वेन्यू ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, वेन्यू होगा इंडिया। और उसके बाद 2022 में वेन्यू चूज किया गया है ऑस्ट्रेलिया को। तो भाई ICC की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऐलान हो चुका है, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है। इसी अपडेट के लिए मैं अभी तक वेट कर रहा था कि अपडेट आने के बाद ही मैं आपको आज क्रिकटॉक का एपिसोड दूंगा। और भाई अपडेट मिल चुका है, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, और 2022 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।